नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल दीपिका मेडिटेशन पावर में। दोस्तों, मैंने अपने पहले किसी वीडियो में मैंने मेडिटेशन के बारे में जानकारी दी थी, परंतु आज मैं आपको उसी विषय में और विस्तार से अधिक जानकारी देना चाहती हूँ, ताकि आप मेडिटेशन को भलीभांति कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास शुरू करने से पहले कोई शांत स्थान चुन लें। पालथी लगाकर रीढ़ सीधे रखते हुए आराम से पद्मासन में बैठें। जरूरी लगे तो पीठ का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं, लेकिन सिर को सहारा ना दें। इस क्रिया को पूरब की ओर चेहरा करके बैठकर करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। आपके हाथ थाई पर खुले, हथेलियां ऊपर की ओर हों और आंखें बंद कर लें। मेडिटेशन करने से पहले आप गहरी सांस अंदर और बाहर लें। ऐसा करना नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाता है और इसे मेडिटेशन से पहले करना चाहिए, जिससे आपका दिमाग शांत होकर मेडिटेशन की अवस्था में आ जाएगा। प्रारंभ में आप ओम मंत्र या किसी भी अन्य मंत्र का जाप कर सकते हैं, परंतु जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, आप अच्छी तरह से मेडिटेशन कर पाएंगे। मेडिटेशन को 10 मिनट से शुरू करें और जब आपको ऐसा महसूस हो कि आप ज़्यादा समय के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, तो मेडिटेशन की अवधि को बढ़ाकर आप 30 मिनट तक कर सकते हैं। परंतु मेडिटेशन उतनी ही करें जितनी आप कर सकें और आपको सुखद महसूस हो। मेडिटेशन करते समय मन को शांत रखें और एक अच्छी मुस्कान आपके चेहरे पर बनाए रखें। आपको स्वयं इसकी इम्पोर्टेंस महसूस होगी जब आप मेडिटेशन करते समय मुस्कान अपने चेहरे पर रखेंगे। इससे आपको शांत और आनंदित महसूस होगा। कुछ समय के बाद आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, जो सांस आप ले रहे हैं और जो सांस आप छोड़ रहे हैं। यदि आपका ध्यान भटकता है, तो आपको अपने मन को ये समझाना है कि मैं ध्यान की मुद्रा में हूँ। ऐसा करने से आप ध्यान पर केंद्रित हो पाएंगे और जो अननेसेसरी विचार आपके मन में बार बार आते हैं, वह विचार धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और आप ध्यान अच्छी तरह से कर पाएंगे और नेगेटिव विचारों से भी मुक्ति मिलेगी। ध्यान अनावश्यक कल्पना व विचारों को मन से हटाकर शुद्ध और निर्मल मौन में चले जाना है। ध्यान जैसे जैसे गहराता है, व्यक्ति पर किसी भी भाव कल्पना और विचारों का क्षण मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता और पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी और आपका दिमाग स्वस्थ होगा और आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी। और जो गुस्सा आजकल सभी लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वह गुस्सा भी बहुत हद तक कंट्रोल होगा। आपका मन शांत रहेगा और आपके मन में जो अननेसेसरी विचार आते रहते हैं, वह नहीं आएंगे और आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। मेडिटेशन के अंत में पहुंचने पर अपनी आँखों को खोलने में जल्दी ना करें।
और ना ही चलने का प्रयास करें। अपनी आँखें धीरे धीरे खोलें और अपने प्रति और वातावरण के प्रति सजग होने के लिए समय लें। दोस्तों, सदा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड। इसी के साथ मैं दीपिका इजाज़त लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट मी, कमेंट मी, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।